इस लाइन में मेरे साथ बारामूला से एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं मुजम्मिल भट्ट, और वो एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले मुजम्मिल भट्ट, आपका जेके न्यूज़ फंड में वेलकम है। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, टाइम दिया बोलने का, और मैं आपको पर्सनली थैंकफुल हूँ आपका। आप कंटिन्यूअसली इश्यूज रेज करते हैं कश्मीर से भी, जम्मू से भी। पहले तो मैं जेके न्यूज़ पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी से। बिल्कुल, बताइएगा क्या कुछ परेशानियां स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जिसे लेकर आज आप लाइव आए। जी मैम, आज का जो मेरा पहला इशू रहेगा वो ये है कि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का पैंडेमिक था पिछले साल 2020 मार्च से स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे उसके दौरान ही, मतलब 2020 में ही उन्होंने कंडक्ट करवाए थे ऑनलाइन एग्जाम्स। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो डिले कंटिन्यूसली करती रही ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर। उन्होंने एग्जाम्स ऑनलाइन करवाए, जो एग्जाम्स उनको 2020 में कंडक्ट कराने थे वो एग्जाम्स उन्होंने 2021 में स्टार्ट करवाए ऑनलाइन मोड के थ्रू। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं यूनिवर्सिटी के भी, लेकिन थोड़ा सा लेट ही है। सो वी कैन से द व्हाट इज फन ऑफ क्लोजिंग द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्सेस आर बोल्टेड, बट स्टिल थैंकफुल। बट द थिंग इज कि हम फाइनल ईयर में अभी है, फाइनल ईयर के जो एग्जाम थे वी वर सपोज टू बी गेट ग्रेजुएटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, बट स्टिल वी आर नॉट ग्रेजुएटेड। द फाइनल एग्जाम्स आर बीइंग पेंडिंग, द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर इज बीइंग पेंडिंग, यूनिवर्सिटी इज टोटल नॉट रेस्पॉन्डिंग। वी आर कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग थ्रू ई मेल्स, थ्रू द गवर्नर्स ग्रेवेनेंस सेल, थ्रू द एल जीज स्पेशल सेल दैट इज बीइंग होल्डेड, बट द थिंग इज वी आर कंटिन्यूसली, वी आर ए यूनियन ऑफ 3,000 स्टूडेंट्स affiliated to the University of Jammu. We are continuously telling that that government has notified many posts that are graduate level posts, but unfortunately we are not eligible for those posts because we are not graduated. It's month of July and we are not graduated yet. This is the main problem in Jammu and Kashmir. Time delay is being the most problem. It is the vital thing. The career of students is, I think, the vital thing in today. बिल्कुल, बताइएगा क्या कुछ प्लान्स आपके आगे फ्यूचर में हैं जिसे आपको लग रहा है कि उसमें डिले होने की वजह से आपके करियर गोल्स में भी डिले हो रहा है। देखिए मैम, अगर हमारा एग्जाम आप मान लीजिए अप्रैल या मई में होना था, फाइनल एग्जाम्स 8th सेमेस्टर के, तो रिजल्ट को भी 1-2 महीने लग जाते मैम। जुलाई या अगस्त में हमारा रिजल्ट निकल जाता, और अगस्त में ही या सितंबर में ही, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हम किसी जगह एमटेक का एडमिशन लेते या कोई और किसी जगह हमारी प्लेसमेंट हो जाती या किसी भी चीज़ ग्रेजुएट लेवल, इम्पोर्टेंटली ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी तक हमारे जो फाइनल एग्जाम्स है ना, उनकी डेट शीट आई है और ना ही कोई यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आई है, और ना ही प्रीवियस सेमेस्टर यानी 7th सेमेस्टर के रिजल्ट्स आई है मैम। तो स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली सफरिंग, तो दिस थिंग शुड बी, एवरीवन शुड राइज दिस इशू बिकॉज दिस इज द करियर ऑफ स्टूडेंट्स मैम। बिल्कुल, तो जेके न्यूज़ पॉइंट के माध्यम से जाते जाते एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करना चाहेंगे। जी, जेके मीडिया, जेके न्यूज़ पॉइंट से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी आर वेरी थैंकफुल, आप यू आर रीचिंग आउट वेरी इन इन द वेरियस प्लेसेस ऑफ कश्मीर एंड राइजिंग द इशूज, वी सल्यूट योर वर्क, यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पहले तो वाइस चांसलर से, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से और एलजी साहब से कि हमारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए ताकि जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स आने वाली है मैम, उनके लिए हम अप्लाई कर सके और हम अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने हमें टाइम दिया प्रियंका, हम आपका बहुत दिल से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, बहुत वी आर थैंकफुल टू यू। शुक्रिया मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल भट्ट हमारे साथ बारामूला से ज्वाइन किए हुए थे, और उनका कहना था कि जो डिले हो रहा है, उनका लास्ट सेमेस्टर है और ग्रेजुएट होने में बहुत पहले उनको ग्रेजुएट होना था, पर डिले की वजह से अभी तक फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं जिसकी वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे हैं और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ एडमिनिस्ट्रेशन इस स्टूडेंट की अपील को जल्द से जल्द सुनेगा, उस पर गौर फरमाएगा। लूंगी इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़।